तो दोस्तों हम बात करें ग्रैनुलस इंडिया के स्टॉक के बारे में। ग्रैनुलस इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लोअर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.70% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से हमारे पास अभी स्टॉक में 323 का जो लेवल है ये एज ए नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 330, अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 343, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 355, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 374, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 384 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 310 का पहले यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ पर स्टॉक में 302, अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 296 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट अपर सपोर्ट। तो एक स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स रहा नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।